कक्षा 12 में भूगोल विषय का विशेष महत्व है। भूगोल विषय को दो भागों में बांटा गया है, खंड ए और खंड ब। खंड ए जो है ये मानव भूगोल के मूल तत्व है, जो कि विश्व से संबंधित है, विश्व के व्यापार के बारे में, विश्व की विनजातियों के बारे में, विश्व की कृषि के बारे में, इस प्रकार से इसमें विश्व के खनिज के बारे में, विश्व की मिट्टियों के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल के मूल तत्वों में किया जाता है। खंड ब जो है वो भारतीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस भाग के अंदर भारत से संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे भारत की कृषि, भारत का व्यापार, भारत की जनसंख्या और भारत का परिवहन, इन भारत की मिट्टियां, इन सब का अध्ययन खंड ब में किया जाता है, भारतीय जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। इस प्रकार भूगोल के ये दो भाग हैं, प्रथम व द्वितीय यानी खंड ए और खंड ब। मानव भूगोल के मूल तत्वों को 28 अंक का भार दिया गया है। इसी प्रकार से भारतीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को 28 अंक का भार दिया गया। इस प्रकार से दोनों को 28-28 अंक का भार देते हुए भूगोल के अध्ययन के लिए जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र आता है वो 56 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। मैं आपको मानव भूगोल के मूल तत्व का अध्ययन कराऊंगा जिसका अंक भार है 28। खंड ए जो है वो मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल के मूल तत्व से संबंधित है, जिसका पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। इस पहले अध्याय को देखा जाए तो एक तो प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बांटा गया, और एक इसके अंदर देखा जाए कि मनुष्य की प्राचीन जातियों को जो विश्व से संबंधित है इसका अध्ययन, तो इसका अंक भार जो है इस अध्याय का अंक भार आता है 4 अंक का। तो इसको अध्ययन करने से पहले अगर हम देखा जाए मानव भूगोल की परिभाषा यानी मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा दोनों के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। मानव भूगोल को आधारभूत शाखा मानते हैं। आधारभूत शाखा का मतलब ये वर्णनात्मक विज्ञान है, और वर्णनात्मक विज्ञान का महत्व और जब बढ़ जाता है जब इसमें क्रमबद्ध और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जब किसी भी विषय में क्रमबद्ध और तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो उस अर्थ में मानव भूगोल एक विज्ञान कहलाता है। जब मानव भूगोल विज्ञान कहलाता है तो इसका मतलब उसका अध्ययन जो है वो अध्ययन के रूप में देखें तो एक समाकलनात्मक, अनुभाविक व व्यवहारिक है। समाकलनात्मक का मतलब जिसमें सारी चीजें आए हैं, अनुभाविक का मतलब जो हमने विश्व के अंदर कृषि का अनुभव किया, विश्व के अंदर व्यापार का अनुभव किया, विश्व के पशुपालन का अनुभव किया, विश्व के उद्योग धंधों का अध्ययन किया, तो उनको अनुभाविक और व्यवहारिक यानी प्रकृति का मानव के साथ अगर हम संबंध बनाए तो उसे मानव भूगोल कहते हैं। पृथ्वी को घर मानते हुए प्रकृति और मानव के अध्ययन का संबंध बताएंगे।